आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति संकट को देखते हुए खाद्य तेल एवं तिलहनों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जारी बयान में कहा है कि भंडारण सीमा की अवधि अब बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है। आपूर्ति संकट के कारण खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं, जिनसे अब भारतीय बाजार भी अछूता नहीं रहा है। सरकार का कहना है कि खाद्य तेलों के दामों को नियंत्रित करने के लिए उसने बहुआयामी रणनीति तैयार कर दी है। इसके तहत खाद्य तेलों का आयात शुल्क घटाया गया है और एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर विभिन्न हितधारकों को अपनी भंडारण स्थिति की स्वयं जानकारी देनी होती है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के संबंध में खुदरा विक्रेता के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल तथा तिलहन के संबंध में खुदरा विक्रेताओं के लिए 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल की सीमा तय की है। खाद्य तेलों का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के 90 दिन के बराबर मात्रा का भंडारण कर सकती है। सरकार ने कहा है कि अगर वैधानिक प्रतिष्ठानों के पास भंडारण तय सीमा मात्रा में अधिक हुआ तो उन्हें ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर घोषित करना होगा। घोषणा के 30 दिन के भीतर उन्हें अपना भंडारण तय सीमा में लाना होगा। इस बीच लोकसभा में ये जानकारी दी गई है कि जून 2021 से 14 मार्च 2022 के बीच भारत ने 60.84 लाख टन के पास ऑयल का आयात भी किया है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, और बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।